महंगाई ट्रेंड ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली। चिकन 600 का हिंसा बूर कर गया। ब्रायलर गोश्त 6 रुपए महंगा होकर 600 रुपए किलो पर पहुंच गया। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे होकर 292 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। निगरान हुकूमत भी आवाम को रिलीफ न दे सकी। बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा दिया। मुनाफाखोर सरगरम, दुकानदारों की मनमानियां। इंतजामिया के महंगाई कम करने के दावे महज दावे निकले। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ठंडे कमरों तक महदूद। महंगाई का मुंह जोर घोड़ा बेलगाम। शहर में हर तरफ महंगाई का राज। सब्जियों के नर्ख एक बार फिर आसमान को छूने लगे। महंगाई की रेस में सब्ज मसाला जात भी सबसे आगे। अदरक 1100, लहसुन 560, मटर 500 और मेथी 450 रुपए किलो में दस्तयाब। बढ़ती महंगाई ने फलों को भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। खुबानी 460, जामन 220 और सेब 250 रुपए किलो हो गए। शहरी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। फौरी काबू पाने का मुतालबा कर दिया। भाई बेटा पहले भी थी, अब भी और बढ़ गई है। बस मुश्किल ही है, क्या कर सकते हैं हम। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप गिराया है गरीब आवाम पर, गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई में पिस चुकी है। गरीब आदमी जो है वो अपने बाल बच्चों की 2-3 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकता। 1000 रुपये हम लाए हैं, इससे 3 चीज़ें आई हैं 1000 रुपये में। तो हिसाब करें भाई, 3 चीज़ें 1000 रुपये में आई हैं और बाकी घी मिर्च हर चीज़ वगैरह वो कितने की आएगी। रेलवे किरायों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 7000 रुपए वाली टिकट 8000 रुपए की हो गई, पहले ही बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए फौरी रिलीफ फराहम करे। तो पहले टिकट 800 रुपए का था, अभी टिकट बहुत महंगा कर दिया। अभी 1250 टिकट हम दे रहे हैं। पहले टिकट था वो 800 रुपए, अभी हो गया 1200 रुपये। तो गरीब आदमी किधर जाएगा, वो किस पास से जाएगा। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो पेट्रोल को थोड़ा सा सस्ता करें। हम अभी आ रहे हैं शादा रेस से, हमने रास्ते में अड्डे को भी छोड़ दिया। हमने कहा रेलवे स्टेशन जाने, उधर जाके हमें टिकट सस्ता मिल जाएगा। तो हमने अड्डे को भी छोड़ दिया, इधर आ गया तो इधर टिकट का पूछा, टिकट वो 1200 रुपये बताया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम गया। इंटर बैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता 294 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपये का हो गया। पंजाब के 2 अरब 36 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल ना हो सके। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने फंड्स नए माली साल में इस्तेमाल करने की इजाजत मांग ली। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने इजाजत दे दी। IDWMC का अहम इकदाम, अवामी मकामात पर डस्टबिन रख दिए। CEO बाबर साहबदीन का कहना है वेस्ट बर्न्स की तैयारी इंजन ऑयल के खाली ड्रम से यकीनी बनाई जा रही है। ट्रक आर्ट से मुजयन खूबसूरत बन सरकारी दफातर और थानों के बाहर रखे जा रहे हैं। अमना ईमान की सूरत हाल, जेलों में कैद मुलजमों को आज अदालतों में पेश नहीं किया गया। पुलिस हुकाम ने अदालतों के एडमिन जजेस को आगाह भी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी दरख्वास्तें जमानत पर समाप्त हुई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर चेयरमैन पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने हसन नियाजी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। IG पंजाब, CCP और SHO थाना सर्वर रोड से जवाब तलब। अदालत ने हुक्म दिया हसन नियाजी पुलिस की तहवील में है तो 18 अगस्त को पेश किया जाए। पुलिस छापे के दौरान शहरी की भैंसें और जेवरात ले जाने का केस लाहौर हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब और IG को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मोहम्मद इमरान की दरख्वास्त पर समाअत की है।
तमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने मुलजमा के शोहर सिविल जज आसिम हफीज़ को ओएसटी बना दिया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पुलिस शहरियों के मुहाफिज और इन्हें जवाब दे है। आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं शहरी पुलिस के खिलाफ 1787 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे पास तमाम कंप्लेंट्स कंप्यूटर पे आती हैं और इनको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। पूरा हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ है और वो मैट्रिक्स बनाया है कि किस अफसर ने क्या काम करना है और इसके ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा डकैती चोरी का नामालूम दरख्वास्त के ऊपर दर्ज करने की कंप्लेंट नहीं है और होगी तो वहाँ पे पुलिस वाले का नुकसान होगा और ये इनको कैटेगोरिकली बताया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शरीना जुनेजो का हरबंसपुरा में ऑपरेशन। कब्जा माफिया से 3 किनाल 13 मरला सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। महकमा एंटी इनक्रोचमेंट की टीम को मजाहमत का भी सामना करना पड़ा। रेसिपियों से ताजरों और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों के वक्त की मुलाकात। थानों की ताज़े नौराइश और तामीराती कामों पर तबादला ख्याल। पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप के तहत तरक्याती अमूर को कानूनी हैसियत देने पर गौर। सीटीओ मुस्तनसन फिरोज लाहौर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। 1.5 माह के दौरान 6,15,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। रवा साल 12 लाख से जायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान भी काटे गए। शाहीनों ने श्रीलंका उड़ान भर ली। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रौफ और साउथ शकील लाहौर एयरपोर्ट से श्रीलंका रवाना। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 22 अगस्त को होगा। सर्च फॉर जस्टिस के जेरे एहतमाम तरबेती वर्कशॉप का इनेकाद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा कि बच्चों को तालीम के जरिए माशरे का मुफीद शहरी बनाया जा रहा है। और शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा। तेज धूप के बाद हब्स और गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशगोई कर दी।